लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इधर आ, कहाँ था तू? हाँ, मैं पागल हो गई ढूंढते। ये कपड़े कहाँ से मिले? हाँ, बोल। डैडी ने। डैडी के बच्चे? क्या मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनाती हूँ कि तू भिखारियों की तरह दरवाजे दरवाजे गैरों से कपड़े मांगता फिरता है? चल उतार ये कपड़े, वापस कर। क्या बेशरम कहीं का। चलिए हुजूर, लंच खाइए। चलिए आइए आइए। चल यार कैंटीन चलते हैं, खाना ही खा ले। तू चल, मुझे जरा मैनेजर साहब से काम है। क्यों भाई, क्या बात है? ये अचानक मैनेजर साहब से क्या काम निकल आया, वो भी लंच टाइम के सन्नाटे में? जो तू सोच रही है वो बात नहीं है, जरा उनकी मिजाज पुरसी कर। आप आइए आइए बैठिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? या तो चैन से जीने दो या चैन से मर जाने दो। मारना और जिलाना तो यानी के भगवान के हाथ में है ना डाले। शट अप, तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं भी तो यानी के उसका कुछ ना कुछ तो लगता ही हूँ ना। हा? तुम उसके कुछ नहीं लगते, उसका बाप कोई और है। इतने दिनों तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा इसलिए कि भूल मुझसे हुई थी। तुमने मुझे अदालत में खड़ा कर दिया, मुझसे अलग हो गई, मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। आखिर मैं मर्द हूं, मेरी भी इज्जत है। मैं तुम्हें 30 दिन का नोटिस देता हूं, अगर तुम 30 दिन के अंदर अंदर मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। यह मेरी आखिरी वार्निंग है। 30 दिन तो क्या, 30 जन्म तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। थैंक यू, नाउ गेट आउट। आई से गेट आउट। मीना जी, करोल बाग में जो धर्मशाला है 26 तारीख की शाम 8 बजे मेरी शादी है, जरूर आइएगा। क्या आप शादी कर रहे हैं? क्या बताऊं साधना जी, 40 बरस से पत्नी की आदत पड़ी हुई है, पत्नी और सिगरेट की आदत पड़ जाए तो फिर नहीं छूटती। जरूर आइएगा, और हाँ बच्चे को लाना ना भूलिएगा। अरे मीना, ये कैसा आदमी है? इसकी बीवी को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ ना, उस दिन तो अपनी बीवी के मरने के गम में कुएं में कूद रहा था और आज अपनी शादी के कांड बांट रहा, वो भी शर्मा शर्मा के। साधना, ये लोग औरत के प्रेम के नहीं उसके शरीर के भूखे होते हैं, तभी तो 1 महीने के अंदर दूसरी शादी कर रहा है। और एक तेरा पति 5 साल से तेरे नाम पे बैराग लिए बैठा है, दूसरी शादी का सोचा तक नहीं उसने। साधना जी, इनके पिता अभी तक गए तो नहीं? आप हर महीने अपना अपमान करवाने क्यों आती हैं भाभी जी? क्या करूं, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो हूं नहीं जो कोई काम करूं, हर पहली को यहां ना तो ये सारी तनख्वाह चूहे में उड़ा देती। अरे सुनो, उमेश जी ऑफिस में है कि चले गए? वो तो 4 बजे चले गए, पिछले दरवाजे से चले गए। अब पता नहीं कितना हार के आएंगे, मकान मालिक को दूध वाले को क्या जवाब दूंगी, इन बच्चों को कैसे पालूंगी? हर महीने अगर इसी तरह रुपए बर्बाद होंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये घर बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान। हटो, बस इन्हीं बातों में ध्यान रहता है तुम्हारा, ऑफिस में क्या काम करते होगे? मैं तो घड़ी देखता रहता हूँ ना डार्लिंग। इस वक्त मूड को संभाल के रख दो कहीं। हाँ,
पहले मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलो, फिर कायदे से चाय पियो, उसके बाद हम लोग जरा बाहर घूमने जाएंगे। अरे हाँ, आज तो तुम्हें तनख्वाह मिली होगी। करेक्ट, आज तो ये ना कि बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये रही इस महीने की तनख्वाह। इस महीने तो इंक्रीमेंट भी मिली होगी। अगेन करेक्ट, 1525। लेकिन ये तो सिर्फ 1500 है, बाकी की 25 खर्च हो गए ना डार्लिंग। काहे में खर्च हो गए? अरे भाई कह दिया ना खर्च हो गए। वो तो सुन लिया, पर खर्च हुए काहे में? किस पर खर्च किए? देखो मैं अच्छे मूड में आया हूँ, मूड खराब मत करो। देखो मूड की धमकी तो तुम मुझे देना मत। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गुलछर्रे उड़ाओ और मैं इस जज से पूछूं भी नहीं कि हिज हाइनेस का मूड खराब हो जाएगा। अरे 1525 रुपए तनख्वाह मिली, 1500 रुपए तुम्हारे हाथ में धर दिए, 25 रुपए का हिसाब नहीं लोगी तो यानी कि शांत तो नहीं घट जाएगी ना? लेकिन जब से हम पूछे चली जा रही हो, कहाँ खर्च किए, किस पे खर्च किए, क्यों खर्च किए, पूछ गछ की भी कोई हद होती है? अरे क्यों नहीं पूछूं? जरूर पूछूंगी, आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बताने में हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि मैं काम करता हूँ, महीने भर अपना भेजा पिघलाता हूँ, इसलिए हिसाब दिए बिना खर्च भी कर सकता हूँ। अच्छा कमाने की धमकी देते हो? ये लो अपनी कमाई। हर बात में अपनी मनमानी करना चाहते हो तो इस घर में मेरी क्या जरूरत है? तो फिर खाना कौन पकाएगा डार्लिंग? क्या तो क्या मैं इस घर में सिर्फ खाना पकाने के लिए हूँ? नहीं 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 नहीं, यू स्टूपिड। थैंक यू। You idiot! Thank you very much. You scoundrel! Thanks a lot. Yellow. Darling, please. Darling, रोना मत करो. Please. अच्छा बाबा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने 25 रुपए कहाँ खर्च किए? तो सुनो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऑफिस से लौटते वक्त 2 टिकट गोलमाल के लाया था, वो भी ब्लैक में। ये सब कुछ इन टिकटों की वजह से हुआ है, इन टिकटों की वजह से हुआ है। ये रही टिकटें। मैं हुई थी, तुम्हारा मैं क्यों सूझ गया? हाँ पहले ही बता दिया होता कि टिकटों में पैसे खर्चोगे तो बात क्या बढ़ती। चलो अब गुस्सा ठूक दो। देखो डार्लिंग, तुम किसी की पत्नी तो हो नहीं, तुम क्या जानो कि जब पति अपनी पूरी तनख्वाह पत्नी के हाथ में रखकर अपने खर्चे के लिए पैसे मांगता है तो पत्नी को कितनी खुशी होती है। डार्लिंग क्या तुम मुझे खुशी नहीं देना चाहते? अब मेरा बेटा मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। वाह, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना डार्लिंग, और अपने एमपी से अच्छा दुनिया में खाना और कोई बनाता ही नहीं है। तो पहले क्या खाएगा तू? चलो मुंह खोलो। अब तो भागना ही पड़ेगा ना डार्लिंग। बार बार मना किया कि इधर उधर मत जाएगा, पर जब होता है मरने आ जाता है यहाँ। अब की बार इधर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। बोल क्यों आया था यहाँ? मम्मी 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 तो आई नहीं रहा था ना। हाँ एमपी को कुत्ता काटने दौड़ा, वो चिल्लाया कुत्ते को पकड़ने तो आना ही पड़ा ना।
वो कुत्ता नहीं बब्बर शेर था, अगर तू नहीं आता तो मुझे चीर देता था। ठीक बोला, थैंक यू, तूने बचाया, तूने बचाया। कुत्ते के बच्चे अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कैसे दरवाजा खोल? नहीं खोलूंगा। सीधी तरह दरवाजा खोलता है कि नहीं? नहीं खोलूंगा। यू स्टूपिड। थैंक यू। यू इडियट। थैंक यू वेरी मच। यू स्काउंडल। थैंक्स अ लॉट। मम्मी, मैं तुम्हें रुलाया ना, फिर कभी नहीं रुलाऊंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। राजू, राजू। राजू, पिताजी, कमाल है, आने की खबर भी नहीं दी। आइए आइए ना। मैं तुम्हारे पास नहीं, राम के पास आया हूँ। क्या, वो कौन होता है आपका? वो मेरा भगवान होता है। और मैं कुछ नहीं लगती? रिश्ते बाजार में नहीं बिकते ना, नहीं तो कह देता कि तुम मेरी कोई नहीं लगती। तुमने 5 बरस में एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारा बुढ़ा बाप कैसा होगा, तुम्हारी छोटी बहन का क्या बना होगा, तुम्हारा छोटा भाई पढ़ रहा होगा या जेब कतरा बन गया होगा। लेकिन उसने हमारे बारे में पल पल सोचा, क्षण क्षण हमारा ख्याल किया। तुमने नहीं सोचा कि घर जब तनख्वाह से नहीं चल रहा था तो पेंशन से कैसे चलेगा। वो मेरा रक्षक है, उसने मेरे गरीब मगर इज्जतदार हाथों को दूसरों के सामने फैलने से बचाया। क्या तुम बता सकती हो राम कहां रहता है? वो सामने वाले घर में। राम बेटा। अरे पिताजी, आप जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए बैठे ना। हेलो साधना जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस खैरियत। घर में सब ठीक था? साधन जी, आज मेरी बहन की मंगनी है। अच्छा, मुबारक हो। अगर आप आ जाती तो। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। किस वक्त है? 5 बजे का मुहूर्त निकला है। अच्छा, जरूर आऊंगी मैं। क्यों, क्या चक्कर चला रहे हो? बहुत दिनों से मेरे आगे पीछे घूम रही है, पीछा ही नहीं छोड़ती। तंग आकर मैंने आज 5 बजे घर पे बुला ही लिया। है? अरे फूक ले रहा है साला। फूक लेता होगा तेरा बाप, 5 बजे आके घर पे देख लेना। शर्त लगाता है। लगी 50-50 रुपए 5 बजे।